हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका की ओर से एक न्यू अपडेट लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी को बताया जा रहा है, जीविका की रिक्वायरमेंट से संबंधित सारी सूचनाएं हमारी वेबसाइट मतलब जीविका के इस वेबसाइट पर मिलने वाली है। और जैसे कि आप सभी को पता है, जीविका ने एक नए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नए नोटिफिकेशन में हम देखते हैं क्या जारी किया है। तो ये सभी आप सभी को इंतज़ार था और मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस अपडेट के बारे में समझते हैं क्या अपडेट है। अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। अब मैं आप लोगों से हमेशा जीविका के बारे में अपडेट रहूँगा, कब क्या होने वाला है यह सारी सूचना आप लोग को जीविका के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट को क्लियर करते हैं और जैसे ही हम अनाउंसमेंट में जाते हैं एक नोटिफिकेशन पता है, इस अनाउंसमेंट में हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे आपको एक क्लियर किया है, एरर था नोटिफिकेशन में 367 नोटिफिकेशन और डेट आपको 14/11/2020 का यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्टेड और एरिया कोऑर्डिनेटर विन द, जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम जो हुआ था और यहाँ पे जो 367 में नोटिफिकेशन 14/11/2020 को जो निकला हुआ था उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे क्या किया है, फिर से दोबारा मतलब जो यहाँ पे स्टूडेंट है 3-4 उस स्टूडेंट का फिर से रिजल्ट जारी किया है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको बता जा रहा है सीरियल नंबर और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी में देखे जाए तो यहाँ पे बीसी और यूसी और पोस्टेड जो आपको स्कोर होता है उसका पब्लिश रिजल्ट का स्कोर वहाँ पे स्कोर भी दिखा जा रहा है और सिक्योर जो स्कोर होता है वह भी आप यहाँ पे देख रहे हैं और पब्लिश रिजल्ट जो किया है इसका जो रिजल्ट जारी किया है इधर, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कब जीविका में क्या होगा क्योंकि वह आपको पहले भी बता चुका था कि मैं अपनी मनमानी से कभी भी इसको रद्द कर सकता हूं और रिजल्ट को अपडेट करा सकता हूं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि यहां पे पब्लिश रिजल्ट किया है आपको प्रीति कुमारी का, तो वेटिंग यूआर में आपको वेटिंग कर दिया है और 544 पे और बीसी में 118 है और बीसीडब्ल्यू में 133 है और इसका रिजल्ट जो है उसका सेलेक्टेड यूआर में 99 पे हैं और सेलेक्टेड जो है यूआर 99 पे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है जया श्री, इसका जो ईबीसी में है और सेलेक्टेड यूआर में 39 पे हैं और सेलेक्टेड ईबीसी में आपको 61 पे हैं। दोनों जगह इसका पब्लिक रिजल्ट किया गया है और दोनों जगह इसका यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। और जो सहिनी तो सलिनी प्रिया का जो है आपको यहाँ पर सेलेक्टेड ईबीसी एफ फीमेल में 28 पे हैं और वेटिंग यूआर में 321 पे हैं और ईबीसी में आपको 104 और बीसीडब्ल्यू में आपको 21 पे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 में 14/11 में जो रिजल्ट हुआ था उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो स्टूडेंट का रिजल्ट छूट गया था, हो सकता है वो अपना चैलेंज क्या हो सकता है वो अपना दावा क्या हो, इसके चलते उसका रिजल्ट को यहाँ पे जारी कर दिया गया है और जिसका परिणाम ये हुआ कि उस तीनों स्टूडेंटों को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गया है और एक को वेटिंग में रखा गया है, दूसरा एक जगह सिलेक्टेड है। इसी तरह के अगर नए नए खबर को आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहेगा और मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।